अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या ऐसी खसूसियात हैं जो कि हम इनको फर्दर हम स्टडी करते हैं। कि फर्स्ट वन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं फिनोल की, वो क्या हैं भाई? ये क्रिस्टलाइन होते हैं और सबसे पहले तो कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस क्रिस्टलाइंस। अब क्रिस्टलाइंस एक प्रॉपर शेप में, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी प्रॉपर एक शेप में होते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स आप पढ़ के आए हैं, मॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वगैरह, ऐसे सॉलिड्स और उनके मॉलिक्यूल्स इस तरह अरेंजमेंट होती है, एक अलाइनमेंट, एक पैटर्न के साथ वो अरेंज होते हैं, डेफिनेट शेप होती है उनकी। तो ये कलरलेस और क्रिस्टलाइन होते हैं डेलिक्विसेंट सॉलिड्स। अब डेलिक्विसेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना कर जाऊँ। जी, डेलिक्विसेंट, जी डेलिक्विसेंट सॉलिड बेटा ये होते हैं कि ऐसे सॉलिड जो कि वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर जस्ट अब्जॉर्ब वाटर एंड देन कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अच्छा भाई, ये हमारे पास आती है एक डेलिक्विसेंट सॉलिड की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है फिनोल की। अगर फर्दर इसकी बात की जाए, इसकी करेक्टरिस्टिक्स फिनोलिक ऑर्डर होता है, मतलब इसका जस्ट एक ऐसा ऑर्डर होता है जैसे अनाइन टाइप का इसका ऑर्डर होता है, फिनोलिक ऑर्डर। जी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 41 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लीजिए 182 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इतने पे मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट में शो हो जाता है, और बॉयल किस पे होता है भाई, 182 डिग्री सेल्सियस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बेटा आप देखिए, जब रूम टेम्परेचर की बात की जाए ना, तो जो फिनोल है वाटर में, फिनोल क्या होता है कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, स्पारेंजली सॉल्युबल कह लें आप उसको लाइटली, रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। लेकिन जब टेम्परेचर 41 से जब बढ़ाया जाता है 68.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाले टेम्परेचर पे जो फिनोल है कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है पानी में। अब इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास जो टेम्परेचर, ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये भाई हमारे पास क्या आ गया, एक क्रिटिकल टेम्परेचर। मैं रिपीट कर देती हूँ उस पॉइंट को कि 141 डिग्री सेल्सियस जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अगर फिनोल रूम टेम्परेचर की बात कर ली जाए, रूम टेम्परेचर पे ये स्पारेंजली सॉल्युबल होता है वाटर में, और हम जब 68.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके जाते हैं, तो इस टेम्परेचर पे जो फिनोल है कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। तो इस पॉइंट को या इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ये क्रिटिकल टेम्परेचर होगा हमारे पास। अच्छा बेटा, ये डिसइंफेक्टेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स वगैरह में, जैसे कि आपके घर में भी इस्तेमाल होता होगा ऑब्वियसली, तो ये एक यूज़ है इसका। तो आज की फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ तक हमारे पास वाइंड अप हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ फिनोल की बात करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।